हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलम और आप सभी का नीलम जायका में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू और बोरा की बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी, जिसे हम लॉन्ग बीन्स भी बोलते हैं या फिर बरबट्टी की सब्ज़ी भी बोलते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे बोरा बोला जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इस बोरा और आलू की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो बड़े आलू को इस तरह से छील करके और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में 250 ग्राम बीन्स लिया है, उसे भी धो करके हमने काट लिया है। इसके साथ ही हमने दो टमाटर को मिक्सर जार में पेस्ट बना लिया है और एक बड़े प्याज को हमने इस तरह से काट लिया है। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसमें डालेंगे करीब 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल की जगह आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून राई या फिर सरसों। 2 लाल मिर्च को भी ऐड कर लेते हैं और इन सारे मसाले को हम अच्छी तरह से चटकने देते हैं। और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को हल्का सा भून लेते हैं, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। और साथ में आलू और जो बोरा है उसे भी हम ऐड कर लेते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे धीरे धीरे से फ्राई होने देंगे। इसे भूनने में 3 से 4 मिनट लगेगा, तो इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जो टमाटर का पेस्ट है, और 1 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक पेस्ट और 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे चलाते हुए करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसे फ्राई करते हुए हमें 3 मिनट हो गया है, तो आप देख सकते हैं थोड़े कलर भी चेंज हो गए हैं और मसालों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी। तो पानी हमने पहले लिया है 1 कप से थोड़े से कम, उससे पहले डाल के हम मिला लेते हैं। थोड़े से पानी और डाला है हमने, यानी कि टोटल हमने 1 कप पानी डाला है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनाना है तो आप 1.5 कप पानी डालें या फिर 2 कप भी पानी डाल सकते हैं। और साथ में हमने डाला है 1 टीस्पून नमक, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून गरम मसाला, और इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा है, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से नमक को भी ऐड करें। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, इसे कवर कर देंगे और इसे पकाने में हमें 5 से 7 मिनट लगेगा। तो बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर इसे चेक करते रहेंगे। यहाँ पर जो गैस का फ्लेम है उसे हम लो टू मीडियम रखेंगे, इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना पकाएं, नहीं तो होगा क्योंकि जो पानी है इसमें वो सूख जाएंगे और जो हमारा आलू और बीन्स है वो कच्चे रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी जो आलू और बोरे की जो सब्जी है ऑलमोस्ट रेडी है, और देखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रही है और इसमें से खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बोरा और आलू की सब्जी बिल्कुल रेडी है, और आप इस सब्जी को पूरी, पराठा या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए और हेल्दी रेसिपी के साथ। कीप वॉचिंग नीलम जायका।